कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कारागार क्षेत्र के कोर जोन से एक मादा बाघिन को राजाजी नेशनल पार्क हरिद्वार भेजा गया है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि कारागार क्षेत्र के कोर जोन में विभागीय पशु चिकित्सकों की टीम द्वारा एक मादा बाघिन को ट्रैकुलाइज कर रेस्क्यू किया गया था। उन्होंने बताया कि इस बाघिन का सुरक्षित रेस्क्यू करने के बाद उसका स्वास्थ्य परीक्षण करने के बाद इस बाघिन को राजाजी नेशनल पार्क भेजने की कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि इस बाघिन की उम्र 10 साल है। वहीं राजाजी नेशनल पार्क में बाघों का कुनबा बढ़ाने के लिए पूर्व में 5 बाघ भेजने का अनुरोध किया गया था, जिसके क्रम में पूर्व में पार्क प्रशासन द्वारा 2 मादा बाघिन को यहां से भेजा जा चुका है। वहीं आज मंगलवार को तीसरी मादा बाघिन को भेजने की कार्रवाई की गई है। वहीं राजाजी नेशनल पार्क में आने वाले पर्यटकों को ये बाघिन अपनी ओर आकर्षित करेगी। रात कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कोर जोन से एक टाइग्रेस को रेस्क्यू किया गया है, जिसे अब राजाजी टाइगर रिजर्व भेज दिया गया है। ये टाइग्रेस पूर्णतः स्वस्थ है और इसे समस्त NTCA के मानकों के अनुसार रेस्क्यू किया गया और सक्सेसफुली इसको राजाजी टाइगर रिजर्व भेजा गया है। जो टाइगर ट्रांसलोकेशन कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से राजाजी में होना है, उसके उस प्रक्रिया का ये एक भाग है। और टाइग्रेस पूरी तरह स्वस्थ है और ये प्रूवन फीमेल है, जिसे अब राजाजी टाइगर रिजर्व में छोड़ा जाएगा।